But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. आज का जो व्लॉग है वो ज़बरदस्ती व्लॉग है। मुझे ना ब्लैकमेल किया जा रहा है व्लॉग बनाने के लिए। मेरे फैंस भी ना अभी क्या बोलूँ मैं, बनाने आता तो बनाना चाहिए ना, कौन देखता है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है कोई नहीं, हम बनाने वाले व्लॉग। और वैसे आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं रानीबाग और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे, रास्ते में बातें करते हैं। अब जब मैं बोलूँ कि रास्ते में बातें करते हैं तो इस बात की सेंस बनती है, पता है क्यों? क्योंकि अब हमारे पास है मोटर व्लॉगिंग सेटअप, तो रास्ते में बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई मीन कि हम रास्ते में बात करते हैं, हमारे मोटर व्लॉगिंग सेटअप्स। चलते हैं जी, चले। ठीक है जी, हाईवे पे पहुंच गए हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं रानीबाग। रानीबाग की जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि रानीबाग 1862 में बना था, और जब रानीबाग बना था तो इसका नाम रानीबाग नहीं, विक्टोरिया गार्डन्स था। तो जब 1862 में विक्टोरिया गार्डन्स बनाया गया तो ये एनिमल्स को सेव करने के लिए था, उनको बचाने के लिए। रानीबाग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पहले से, जब से पेंगुइन्स मुंबई आए हैं तब से रानीबाग जो है वो ज़्यादा फेमस हो गया। तो मैं भी स्पेशली खास करके पेंगुइन्स को देखने जा रहा हूँ। ओ भाई खड्डे, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं रानीबाग, फिर वहाँ पर आपको बाकी की चीज़ें बताते हैं। शेर देखेंगे भाई, शेर, पेंगुइन और चीता, वैसा ही कुछ सोच। क्या भाई ये हाईवे क्या यार, इतने बड़े बड़े खड्डे वो भी हाईवे पे, कैसे कोई चलाएगा गाड़ी। अभी हम हैं धारावी और यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ही अलग है। ये ट्रैफिक, हम निकले थे 2:30 को, अभी हो रहा है 3:51। मुझे लगा कि 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे लेकिन नहीं पहुंच पाए हम। ओके ओके, तो हियर वी गो रानीबाग। फाइनली पहुंच गए जी, फाइनली। अभी बज रहे 4 और हमारे पास पूरा 1 घंटा है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके टिकट के प्राइसेस, एक अडल्ट का है 50 रुपीज़, चिल्ड्रन के प्राइसेस 25 रुपीज़, अगर आपकी एक फैमिली है तो उसका टोटल 100 रुपीज़। और ये मेरे पीछे जो है वो एंट्रेंस है, वहाँ से एंटर करते हैं। और अभी चलते हैं अंदर और पूरा रानीबाग एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है रानीबाग का पूरा मैप। यहाँ पे हाथी है, लायन है, टाइगर है और काफ़ी अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं। ये काफ़ी बड़ा है, मुझे लगा था काफ़ी छोटा सा रहेगा क्योंकि शहर के बीच में। यहाँ से हमें लेनी है टिकट। हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं रानीबाग के अंदर। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप कोई भी कैमरा इक्विपमेंट ला रहे हो तो अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो उसके 300 रुपये, और अगर आपके पास फोटो कैमरा है तो उसके 100 रुपये। तो अगर आप आ रहे हो तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग ने एंटर किया तो मुझे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ जो मैंने कभी नहीं देखी है वो देखने मिली है। ये है ट्री का नाम है बाओबाब। और ये ट्री इतना बड़ा है कि इसके अंदर आराम से 4 लोग रह सकते हैं। और मैंने ये पहली बार देखा इतना बड़ा, और ऐसे तो मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा था। अभी हम आए रानीबाग और हम पहला जानवर पेंगुइन देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास टाइम कम है तो सबसे पहले हम पेंगुइन देखेंगे क्योंकि पेंगुइन इस जगह की सबसे बड़ी अट्रैक्शन। तो जी फाइनली अभी हम पहुंच गए पेंगुइन्स के यहाँ पे, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष, यानी कि यहाँ पे पेंगुइन्स को रखा जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पेंगुइन्स के लिए जो सूटेबल है वैसा है। तो अंदर शायद से कैमरा अलाउड नहीं है तो हम फ़ोन से थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे और आपको बताएंगे।
हाँ तो जी, हमने पेंगुइन्स देख लिए और पेंगुइन्स को जहाँ पे रखा गया है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना प्यारा है। अभी हम जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, बियर हो गया और बाकी सारी चीज़ देख। ये है जी डियर, इसको डियर्स के बारे में जानना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़। डियर्स तो मैंने काफ़ी बार देखे तो इसमें वो जितना मज़ा नहीं है। अभी हम जाएंगे लेपर्ड को देखने के लिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम आए हैं हिप्पोपोटामस देखना, जो कि हिप्पो पानी के अंदर है। वो देख, जो जो जानवर हम देखने के लिए आ रहे हैं वो सारे के सारे जानवर आलसी, क्या दिखाऊँ मैं आपको। लेकिन लड़की कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, तो अगर हिप्पोपोटामस बाहर आ गया तो आप लोग देख लेना। हाँ तो जी, पूरे 5 मिनट हो गए, दिखा तेरे को हिप्पोपोटामस? वो देख बाहर आया, अभी ये सिर्फ सांस लेने के लिए बाहर आ रहा है। इतना चेहरा तो दिखा रहा है। ऐसा जानवर बोलते ना, हम सिर्फ मेन जानवरों को जानते हैं, तो ये अलग ही कुछ था। और अभी है हमारे दोस्तों की बारी, एक तो मेरे साथ ही है लेकिन और भी बहुत है, नितेश, ओमकर, तेजस, सारे दोस्त। ये जो फूल है ये शिव भगवान के लिए रखा जाता है जब भी उनका ओकेजन है, क्योंकि वो मतलब कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है, शिवलिंग जैसे ही दिखता है, तो इसलिए वैसे मतलब शिवलिंग ही बोलते, छोटा शिवलिंग। ठीक है जी, तो ये फूल है टाइगर। अरे टाइगर्स इन ट्रबल, टाइगर तक पहुंच गए जी, हम अभी टाइगर देखेंगे। यहाँ से मैं पहली बार टाइगर को देख, मतलब इसके पहले मैंने बचपन में देखा है लेकिन बचपन का कुछ याद नहीं रहता है। ये टाइगर कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है, ऐसे टीवी में देखते लगता है कि छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। अभी ये अंकल बोल रहे सामने से गया, अभी चला गया, ढूंढेंगे हम उसको, ढूंढेंगे, कैप्चर करेंगे। One eternity later. वो टाइगर इतना बड़ा है भाई साहब, इतना दूर से इतना बड़ा दिख रहा है, पूरा 300 किलो तक वेट उसका जाता है ऐसा उन्होंने बताया, साइबेरियन टाइगर का। और मैं क्या बोलूँ यार, काफ़ी बड़ा टाइगर है यार, मतलब मज़ा आ गया देख के। अभी अभी हमने भालू को देखा है और ये जो जगह इन्होंने बनाया है ना, इतना प्यारा जगह है, सब सब जानवरों के लिए सिवाय बंदरों के, बंदरों के लिए बुरा लग रहा था मेरे को। सारे जानवर जो टीवी में देखते हैं सब अलग दिख रहे हैं मेरे को रियल लाइफ में। मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आओ, आने के पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि क्या ही मिलेगा वहाँ पर जाके, क्या ही होगा, लेकिन बढ़िया है। जी भालू की इन्फॉर्मेशन, अभी ये देख स्लॉथ भी है रे। हाँ तो जी, हम लोग ने बियर देख लिया, टाइगर देख लिया, हिप्पोपोटामस देख लिया, बंदर देख लिया, पेंगुइन, पेंगुइन में देख लिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि लेपर्ड है, हाइना है और फॉक्सेस है, तो ये भी देखना है मेरे को कि एक्चुअल में कैसे दिखता है। ये फॉक्स भी दिख गया है और फॉक्स की जो जानकारी है वो यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं लेपर्ड देखने। जी ये है लेपर्ड और ये है हाइना। तो जो ऊपर बैठा है जी वो है चीता और जो नीचे घूम रहा है वो लेपर्ड है। लेपर्ड देख लिया जी हमने और पहला जानवर ऐसा है जो एकदम साफ साफ मेरे आंखों के सामने से गया। अभी हम देख रहे हैं हाइना, हाइना तो नॉर्मल कुत्ते ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे कुत्ता नॉर्मल होता है ना, जैसे मेरे घर पर सेम, जो कि सो रही है।
मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था इतना, मतलब एक्चुअल में अच्छा है। एक्चुअल में यहाँ पे जानवर है और जहाँ पे जो जाते हैं वहाँ पे जानवर कम रहते हैं, देखा तूने? हाँ यहाँ पे है एटलीस्ट कि पैसे भर रहे तो एटलीस्ट देखने मिल रहा है कुछ, ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल बुक में आ गया हूँ। जानवरों को अच्छा खाना भी देते इसके लिए तगड़े वगड़े हो। काफ़ी सारे जू ऐसे हैं जिसमें जानवर हालत में ही नहीं रहते, ना देखने के, ना चलने के, ना फिरने के। अच्छा मतलब वो उसको लेके चले गए सुना क्या? अभी अभी हमने टाइगर की दहाड़ सुनी है, खतरनाक था ये। हम इतना दूर है वहाँ से लेकिन फिर भी इतनी खतरनाक आवाज़ थी। अबे लायन होता है ना किंग, ये भी तो किंग ही है ना। लेकिन तुमने सुना है कि टाइगर ज्यादा ताकतवर होता है लायन से? मैंने देखा भी है, सुना भी, यूट्यूब पे सर्च किया था मैंने एक बार। तो अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट देखने के लिए, लायन यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि लायन भी बहुत जल्द लेके आएंगे, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आएंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:30, 5 बजे बंद हो जाते हैं लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ, अच्छी बात है हमारे लिए, हम आराम से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और ज्यादातर जो भी जानवर थे हमने सारे देख लिए। इसका मतलब ये एलिफेंट देखने नहीं मिलेगा? शायद से मिलेगा क्योंकि हमें उनका नाक तो देखने मिले। वो लोग अपने सुंड में 8 लीटर तक पानी भर के रखते हैं, मतलब पहले तीन थे, तीनों बहने थे, फिर उसमें से एक को शिफ्ट किया गया और एक की मतलब ऐसे बहुत एज हो गया था, मतलब डेड हो गया, तो अभी एक ही बच्चा जो कि इधर है। तो यहाँ पे एक ही एलिफेंट है। तो एलिफेंट देखने के लिए लेट हो गए हम, एलिफेंट को अंदर रख दिया इन लोगों ने। बाहर आ रही है वो, अभी कितनी प्यारी दिख रही है वो ब्राउन अलग ही कलर। हाँ देखना वो ग्रेश नहीं है, ब्राउन कलर की। ये है वो फील्ड जहाँ पे एलिफेंट घूमते हैं। क्या किया? पूरा वो घास अपने ऊपर डाल दिया। तो जी एलिफेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हम क्योंकि वो है अंदर और हम हैं बाहर। थोड़ी देर पहले आते तो शायद यही कहीं पे होती। कोई नहीं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, कैमरा नहीं देख पा रहा। ज़्यादातर जितने भी जंगली जानवर है वो सारे हम लोगों ने देख लिए, अभी बचे बर्ड्स, टॉर्टोइस और सांप नहीं है। सांप है क्या सही में बता ना? वीडियो में देखा था मैंने, अभी एक्चुअल में है कि नहीं? सांप के बारे में कुछ नहीं है मैप में। सांप देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को डर भी बहुत लगता है उन लोगों से। तो बर्ड्स बचे, बर्ड्स देख लेंगे, टॉर्टोइस देख लेंगे और बस फिर घर चले जाएंगे। अच्छा वसूल, पैसे वसूल है कि ऐसे नहीं कि पैसे डाले तो वेस्ट है। प्यार की राह में चलना सी। जो टर्टल से चलने की बंद है, बाद में देखो उसको जंगली जानवर। जो टर्टल से उनका खासियत ये है कि वो लोग अंडे मट्टी के अंदर ही देते हैं, मोस्टली सी के अंदर। तो यहाँ पे इसे बताया गया है कि जो टर्टल्स के अंडे है, मतलब लाइट्स डाले और उसके नीचे अंडे रखे, टाइम आने के बाद वो अंडे अपने आप वो होंगे और वहाँ से बच्चे बाहर आएंगे। गाइस यहाँ पे हम लोग अभी ढूंढ रहे थे टर्टल्स, लेकिन ये जो पीछे लाइट्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे टर्टल्स और टर्टल्स के अंडे हैं, टर्टल्स और टर्टल है नहीं। तो पोपट हो गया हमारा, कब से ढूंढ रहे हम लोग। चलो रुको जरा, सबर करो। फाइनली जी टर्टल्स और टर्टल मिल गए। ओके जी फाइनली जिसे हम ढूंढ रहे थे सांपों को, वो फाइनली हमें दिख गए और लेट हो गया, सब बंद कर रहे और हमें भगा रहे हैं, पीछे से भाग के आए हम लोग। फाइनली जी सांप भी दिख गए और हमने पहली बार सांपों को स्कीन छोड़ते हुए देखा, सफल हो गया भाई। तो ये जो रानी बाग है ये बना था 1982 में और जब ये बना था तब इसका नाम था विक्टोरिया गार्डन। ये इसके लिए बनाया था ये एनिमल को सेव कर पाए करके, एनिमल को ऐसे बचाए जो कम कम ऐसे स्पीशीज उठते जा रही थी। और ये जो मेरे पीछे स्टैचू है वो है जीजा माता का जो की शिवाजी महाराज की मम्मी है। तो ये है मेरे पीछे म्यूजियम जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए,
लेकिन अगली बार जब भी हम आएंगे और ये इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करें। अच्छा लगा यहाँ पर आके अलग अलग विचित्र विचित्र जानवरों के बारे में जानने के लिए। ठीक है जी, पूरा एक्सप्लोर करके हो गया हमारा और हमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मिले यहाँ पे। अच्छा लगा है बाकी लोगों को भी देख के और जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, आपने व्लॉग में देखी रहेगी। और बस अभी चलते हैं, बढ़िया है बाकी सब। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, ये नाम ये है, रानीबाग भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो बस जी चलते घर पे, बाय। हाँ पेंगुइन आ गया।